Hello students, today I am teaching to you the subject of science, class 5 students, the chapter 6, and the topic is dispersal of seeds. So let us start from this paragraph, dispersal of seeds. Plants cannot move from one place to another, means plants which are immovable in nature, immovable means they cannot move from one place to another place. So if all seeds fall and germinate near the parent plant, they would not get enough sunlight, air, water, minerals and space to grow. Means plant जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह move नहीं कर सकते हैं. So इसलिए if all seeds fall, यानी सभी seeds जो होंगी वो गिर जाएंगी plant से, बीज जो होंगे, and germinate होंगे near the parent plant. Parent plant means जो मूल plant है, जो main plant है, उसकी जो सीड्स होंगे सेम प्लेस पर सभी एक जगह गिर जाएंगे और जर्मिनेट हो जाएंगे, तो बहुत कंजेस्टेड हो जाएगा एरिया. मींस एक स्मॉल एरिया पे बहुत ज़्यादा प्लांट ग्रो कर जाएंगे. तो इसमें प्रॉब्लम क्या होगी, सभी प्लांट्स को प्रॉपर सनलाइट, एयर, वाटर, मिनरल्स एंड स्पेस जो होंगे वो मिलेंगे नहीं ग्रो करने के, क्योंकि एक किसी प्लांट को एक नॉर्मल ग्रोथ करने के लिए, अच्छी ग्रोथ करने के लिए प्रॉपर सनलाइट मिलनी चाहिए, क्योंकि सनलाइट जो है प्लांट को फूड प्रिपेयर करने में हेल्प करती है. एयर मिलनी चाहिए, ये भी रिक्वायर्ड है फूड प्रिपरेशन में. वाटर मिलना चाहिए, और फिर जो मिनरल्स बनेंगे वो प्लांट्स को सभी पार्ट्स में रिक्वायर्ड अमाउंट में डिस्ट्रीब्यूट होने चाहिए. ठीक है, बिकॉज ऑफ दिस मैनी सीडलिंग्स वुड नॉट सर्वाइव. अगर इसकी वजह से अगर एक ही जगह पे बहुत सारे प्लांट हो जाएंगे, तो उनकी वजह से मैनी सीडलिंग्स यानी बहुत सारे छोटे छोटे स्मॉल प्लांट होंगे, दे कैन नॉट सर्वाइव, वो सर्वाइव नहीं कर पाएंगे. हैंस नेचर हेल्प्स टू स्कैटर दीज सीड्स. इसलिए नेचर जो है, प्रकृति जो है, हेल्प करती है इन सीड्स को जो प्लांट से गिरते हैं स्कैटर होने में. स्कैटर मतलब फैलाने में, डिस्पर्स होने में. दिस प्रोसेस ऑफ स्कैटरिंग ऑफ सीड्स और फ्रूट्स अवे फ्रॉम, मतलब जो सीड्स या फ्रूट्स स्कैटर होते हैं, फैलाए जाते हैं, छितराए जाते हैं, डिस्पर्सल होता है, अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट इज कॉल्ड डिस्पर्सल. डिस्पर्स मीन्स scattered from one place to another place away from the parent plant, you can say easily. And this dispersal is carried away by many many ways. Seeds are carried away from the parent plant to far off places by many many ways, like wind. With the help of wind, these seeds can be scattered from one place to another place. With the help of water, animals, and sometimes also by explosion of fruits. Explosion of fruits takes place in case of dried pea, because when the green pea is dried, they produce or split up with the sound. That's why this is called explosion of fruits. Wind, water and animals are called the agents of dispersal, because this wind, water and helps and animals helps in scattering the seeds from one place to another place. That's why they are called agents of dispersal. So let us start first agent,
for dispersing the seeds, dispersal by wind. Wind helps to scatter the seeds from the away from the parent plant by different ways. So let us start the topic. Some seeds are very light and have wings or fine hair on them. Some seeds, कुछ बीज जो होते हैं बहुत हल्के होते हैं, वेरी लाइट मीन्स बहुत हल्के होते हैं और छोटे छोटे उसमें रेसे निकले होते हैं, ठीक है. द सीड्स आर ईजिली कैरिड अवे बाई विंड, और लाइट वेट होने की वजह से, हल्के होने की वजह से हवा के द्वारा एक जगह से दूसरी जगह ईजिली ये स्कैटर किए जा सकते हैं, फैलाए जा सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल जैसे डैंडलियन हो गया, डैंडलियन एंड कॉटन सीड्स हैव फाइन हेयर अटैच टू देम. जैसे डैंडलियन और कॉटन बीज होते हैं, इनमें एक फाइन हेयर अटैच होता है विच एक्ट लाइक पैरासूट्स, जो इसको एक जगह से दूसरी जगह मूव करने में हेल्प करता है, जैसे एक पैरासूट मूव करता है, ठीक है. सम सीड्स सच एज शाइकमोर हैव विंग्स दैट हेल्प देम फ्लोट इन एयर एंड मूव टू फार ऑफ प्लेसेस. उसी तरीके से कुछ सीड्स होते हैं जो उनको विंग्स की हेल्प से एक जगह से दूसरी जगह एयर में फ्लोट करने में, फ्लो करने में हेल्प करते हैं. तो इस तरीके से डैंडलियन, कॉटन एंड एट्सेट्रा, दीज आर द सीड्स विच हेल्प्स टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. चलिए इसको पिक्चर से देखते हैं. लुक एट दिस पिक्चर. द टॉप फिगर इज ऑफ डैंडलियन विच हैव फाइन हेयर एज यू सी इन दिस पिक्चर, एंड द बॉटम फिगर इज ऑफ शाइकमोर विच हैव विंग विद द हेल्प ऑफ दिस. दिस सीड्स कैन बी डिस्पोज्ड बाय विंड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस ईजिली. सो वी कैन से दैट विंड इज हेल्पफुल फॉर स्कैटरिंग और डिस्पर्सिंग दिस टाइप ऑफ सीड्स फ्रॉम अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्सल बाय वाटर. सो मैनी प्लांट्स ग्रो इन एंड अराउंड वाटर बॉडीज. बहुत से ऐसे प्लांट जो होते हैं जो वाटर में ग्रो करते हैं या वाटर के साइड में, कोई भी जैसे तालाब हो गया या लेक हो गया, उनके किनारे किनारे ग्रो करते हैं. सीड्स एंड फ्रूट्स ऑफ दीज प्लांट्स सच एज कोकोनट एंड लोटस आर यूजली कैरिड बाई दी फ्लोइंग वाटर टू फार ऑफ प्लेसेस. तो बहुत से इन प्लांट्स के, जैसे कोकोनट हो गया या लोटस के जो सीड्स हो गए या फ्रूट्स हो गए, वाटर के थ्रू एक जगह से दूसरी जगह फ्लो आउट होकर चले जाते हैं. कोकोनट्स आर होलो फ्रॉम इनसाइड एंड आर कवर्ड विद रफ हेयर. कोकोनट जो होता है कैसा होता है, अंदर से होलो होता है यानी खाली होता है, ठीक है, स्पेस उसमें होता है, और बाहर से ऊपर टफ हेयर लगी होती है, लेयर होती है. दिस मेक्स देम लाइट टू फ्लोट एंड ट्रेवल इन वाटर. और जिसकी वजह से कोकोनट जो होता है हल्का हो जाता है, जिससे वो वाटर में इजिली फ्लोट कर सके और एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल करके जा सके. द लोटस फ्रूट हैज ए स्पॉन्जी पार्ट दैट हेल्प्स इट टू फ्लोट. उसी तरीके से लोटस जो फ्रूट होते हैं अंदर से स्पॉन्जी टाइप के होते हैं, ठीक है, अंदर उनका स्पंज टाइप का होता है, जिसकी वजह से वो लाइट इन वेट हो जाते हैं और वाटर में इजिली फ्लोट करके एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं. उसी तरीके से एनिमल्स की हेल्प से कुछ डिस्पर्सल होते हैं, जैसे सम सीड्स हैव हुक्स, स्पाइंस और स्टिफ हेयर. कुछ सीड्स में छोटे छोटे स्पाइंस नुकीले टाइप के निकले होते हैं, हुक्स निकले होते हैं, जो एनिमल्स के बॉडी में स्टिक हो जाते हैं. दिस हेल्प्स द सीड्स टू स्टिक, यानी चिपक जाते हैं टू द हेयर इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स.
फीदर्स और बर्ड्स और ऑल्सो टू आवर क्लोथ्स। और ये सीड हुक्स और स्पाइंस होने की वजह से एनिमल की बॉडीज में चिपक जाते हैं या फीदर में, जैसे बर्ड्स की फीदर में यानी उनके पंख में, और हमारे क्लोथ्स में चिपक जाते हैं। और दीज सीड्स आर देन कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। और इस तरीके से ये जो सीड होते हैं एक जगह से दूसरी जगह ईजिली डिस्पर्स हो जाते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं। बर्ड्स एंड सम एनिमल्स ऑफन स्वैलो सीड्स व्हाइल फीडिंग ऑन फ्रूट सच एज बेरीज। और बर्ड्स और कुछ एनिमल्स जो होते हैं जब सीड्स फ्रूट्स खाते हैं तो उसके साथ सीड भी निगल जाते हैं, खा जाते हैं। द सीड्स देन कम आउट विद देयर वेस्ट। और ये सीड जो है बॉडी से वेस्ट के रूप में रिलीज होते हैं। एंड दिस ऑल्सो गेट डिस्पर्स्ड व्हेन वी ईट फ्रूट सच एज। सीड इस तरीके से डिस्पर्स होना कैसे होता है, जब हम कुछ फ्रूट खाते हैं जैसे मैंगो, पपाया एंड मेलन एंड थ्रो अवे द, से कुछ सीड्स कैसे स्प्रेड होते हैं, जैसे हम मैंगो, पपाया या मेलन, तरबूज इनको खाते हैं तो इनके सीड जो होते हैं हम वेस्ट मटेरियल की तरह थ्रो अवे कर देते हैं, फेंक देते हैं, तो उससे इनकी स्कैटरिंग डिस्पर्सिंग हो जाती है। डिस्पर्सल बाय एक्सप्लोजन, लास्ट टॉपिक है आपका डिस्पर्सल बाय, यानी कि सीड का एक जगह से दूसरी जगह पे फैलना एक एक्सप्लोजन भी एजेंट है। ठीक है, कैसे है, द फ्रूट्स ऑफ सम प्लांट्स सच एज पी एंड बालसम एक्सप्लोड व्हेन दे ड्राई। जब ये ड्राई होते हैं तो पी के सीड हो गए या बालसम के हो गए ये एक्सप्लोड करते हैं। ठीक है, यानी बस्ट होते हैं, बस्ट ओपन होते हैं, जिससे दिस स्कैटर्स द सीड्स अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट। और इससे क्या होता है, जो सीड होते हैं पेरेंट प्लांट से स्कैटर हो जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस। तो इन दिस वे बाय यूजिंग दिस एजेंट्स लाइक विंड, वाटर, एनिमल्स एंड समटाइम्स डिस्पर्जन ऑल्सो टेकन प्लेस बाय एक्सप्लोजन ऑफ सम फ्रूट्स प्लांट। So these are the various ways by which disposal of seeds can take place easily.